तो भतीजो अभी हम कार फोर्स सेल करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें कार को सेल करने के लिए शोरूम ओपन करना होगा। पर हम ठहरे गरीब लुच्चे, तो हम अभी के लिए अपने घर को ही शोरूम बना लेते हैं, जिसका नाम होगा चाचा मोटर्स। अभी शोरूम तो हो गया, लेकिन यार कार्स भी तो चाहिए होंगी ना बेचने के लिए, वो कार्स जिन्हें बेच कर हम अंबानी बन जाएंगे। पर उससे पहले हमें कार्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अंबानी बनने का टाइम नहीं है अभी। तो अभी बीगल के नाम पर मेरे पास ये एक सस्ती सी बाइक है, पर हम इसी बाइक से अपना बिजनेस इतना ग्रो करेंगे कि हम लग्जरी कार्स भी खरीद लेंगे, उसमें से दो तीन कार अपने लिए भी निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए। यार तो बात ऐसी है कि मैंने एक बंदे से बात करी है अपनी इस बाइक के बारे में, उसे ओल्ड बाइक का कलेक्शन करना है और अपनी ओल्ड बाइक है, तो वो अपनी ये ओल्ड बाइक खरीद कर हमको कुछ पैसे देगा या हमको एक गाड़ी भी दे सकता है, ऐसा भी उसने बोला है। तो अभी सबसे पहले हम उसके पास चले एंड उसको अपनी बाइक देकर, ये रहा वो बंदा, ये लेगा हमारी बाइक एंड इसके बदले देगा वो पैसे या एक गाड़ी। तो जल्दी से इससे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने इससे बात कर ली है, हमारी बाइक में यार स्टैंड नहीं है, इसी की वजह से यार भले इसके थोड़े कम पैसे मिल रहे थे, तो हमने कहा यार तू मुझे इससे बढ़िया एक गाड़ी दे दे। तो इसने बताया कि इस बिल्डिंग के उधर कुछ गाड़ियां खड़ी है, उसमें से तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले जाओ। यार मैं तो कहता हूं कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसे लोग एकदम से खरीद लें, वेल वो बंदा हमारी बाइक ले जाएगा। लेकिन यहां पर एक गाड़ी तो मुझे दिख रही है, और के यार ये गाड़ी भी कुछ, अरे यहां पर एक और है मेरे, अरे यहां तो तीन तीन गाड़ियां हैं यार। पर उसने बोला कोई एक ले लेना, तो यार मैं तो लेने वाला हूं ये ग्रे वाली। भाई कितनी सॉलिड लग रही है, क्या सच में यार उस बाइक के बदले ये गाड़ी मिल सकती है? अबे यार इसमें कोई चोरी वोरी वाला लफड़ा तो नहीं है? अरे यार यार कोई नहीं यार, जो मिल रहा है ले चलते हैं, आम खाने से मतलब रखते हैं, गुठलियां नहीं गिनेंगे भाई। मैं सोच रहा था कि भाई कोई गाड़ी लेके आऊंगा पुरानी सी, उसे ठीक कराऊंगा, अबे आते ही आते ठुक गई, एंड इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा के बेचूंगा। इसमें तो बिना मॉडिफिकेशन ही बिक जाएगी भाई, फिर भी मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। भाई कितनी सॉलिड लग रही है, मन कर रहा है इस गाड़ी को अपने पास रख लूं। इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है गाड़ी यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या ऑसम लग रही है। कलर चेंज करके देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। नहीं यार येलो कुछ खास नहीं लग रही, ऑरेंज अच्छी लग रही है, लेकिन यार ब्लू एंड ब्लैक भाई साहब सॉलिड है, एंड ये RGB कलर भी एकदम से गजब है। अभी मैं फोन पे बात करके किसी बोलता हूं कि अगर गाड़ी चाहिए। ये क्या हो गया बे? अबे यार पुलिस क्यों आ गई और उसने अपनी गाड़ी में ही क्यों टक्कर मारी? यार इस गाड़ी में कोई पुलिस का चक्कर तो? ये पुलिस की गाड़ियां अपने घर के आसपास क्यों घूम रहे भाई? अबे यार चाचा तो फंस गया, बहुत बुरा फंसा भाई। मैं समझ गया ये गाड़ी शायद चोरी वोरी की गाड़ी है। रुको मेरी बात सुनो, अबे यार ये तो फायरिंग भी करने लगे। यार यहाँ से निकलना होगा, इस गाड़ी को लेके निकलते हैं सबसे पहले तो हम, एंड मुझसे यार बहुत बड़ी गलती होगी। मैं समझ गया, मुझे कोई और गाड़ी लेनी चाहिए थी, एंड हमने यार ये वाली गाड़ी उठा के बहुत गलती कर दी। अबे यार निकलने तो दो मुझे यहाँ से। भाई यार पुलिस ने कितना भयंकर घेर रखा है, तीन तीन पुलिस वाले हैं भाई साहब। छोड़ दो। अभी हम कैसे भी करके इस गाड़ी को वहाँ खड़ा कर देते हैं, एंड वहां से कोई दूसरी गाड़ी ले आएंगी अगर ठीक ठाक लगी तो, वरना भाई ये भी दे आएंगी। हमने क्या लफड़ा पाल लिया, इससे अच्छी तो हमारी बाइक थी यार, इसीलिए तो बोलते हैं ईमानदारी से काम करना चाहिए। अबे यार ऑलराइट गाइस, यार इन दोनों में से मैं ये ग्रीन वाली ले चलता हूँ, ये थोड़ी सस्ती सी लग रही है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली गाइस हमने जो वो वाली गाड़ी थी, अबे पुलिस अब क्यों? अच्छा पुलिस शायद अब चेकिंग। भाई सॉरी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए यार, अब कोई गाड़ी नहीं चुराई थी नहीं मैंने। यार पूरे शहर में पुलिस लगी है भाई, पता नहीं किस तंगड़े इंसान की गाड़ी थी। वेल अभी हम अपने घर पे चलते हैं एंड इस गाड़ी को सेल करके पैसे कमाते हैं, क्योंकि अभी हमको खेलना होगा कार फॉर सेल, जिसमें हम लोग कई सारे पैसे। अच्छा वेल फाइनली गाइस हम अपनी घर पर आ चुके हैं चाचा मोटर्स पर इस गाड़ी का तो यार बोनेट ही उड़ा दिया कैसे रास्ते में। पर कोई ना, हमें किसी को चूना लगाता हूँ। रुको यार, चाचा के पास बड़ा दिमाग है यार, चाचा ये गाड़ी बेच देगा। सबसे पहले हम किसी बलि के बकरे को ढूंढते हैं एंड ये गाड़ी बेचते हैं। यार हमारा कस्टमर कोई राह चलता बंदा नहीं बन सकता, जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी हो तो वही गाड़ी ले सकता है, जैसे कि ये आया लैम्बोर्गिनी वाला, एंड मैं इसको बनाता हूँ बेवकूफ, क्योंकि लैम्बोर्गिनी वाले के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पैसे वाले भाई साहब बेवकूफ भी होते हैं। इसको नीचे उतारते हैं एंड इसको बताते हैं यार मैंने नया नया शोरूम खोला है, आके मेरी कुछ गाड़ियां देख ले, एंड शायद इसे वो गाड़ी पसंद आ जाए एंड हमें मिलने वाले हैं कई सारे पैसे। इसको जबरदस्ती गाड़ी से उतारने के बाद अभी हम इसे अपने शोरूम में ले चलते हैं एंड इसको वो गाड़ी दिखाते हैं ब्लैक वाली, जिसका एक बोनेट ही नहीं है। पर मैं इसको बताऊंगा ये एक यूनिक पीस है भाई, मास्टर पीस है, चुपचाप से ले लो तो फायदे में रहोगे। भाई देखो ये रही वो गाड़ी, भाई ऐसी गाड़ी है ना आपको पूरी दुनिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, मतलब बात तो एक है। एंड इस गाड़ी की खास
खास बात क्या है कि इसमें ये बोनट आपको दिख रहा है, इसका बोनट ट्रांसपेरेंट है, मतलब बोनट तो है पर वो दिखता नहीं है, वो जादुई बोनट है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो बोलो। गाइस मेरी बात हो चुकी है, अभी मैं इस बंदे को इस गाड़ी की आवाज सुना देता हूँ एंड उसके बाद ये डील डन हो जाएगी एंड इसको थोड़ी चला के दिखा देता हूँ। एंड मुझे जहां तक लगता है कि इसकी आवाज तो काफी तंगड़ी थी जिसके कारण ये यार बंदा गाड़ी ले ही लेगा, मुझे 100% श्योर है क्योंकि इसके हाव भाव से पता चला। ओके गाइस हमारी डील डन हो चुकी है, तो हमने इससे 2 लाख रुपए और इसकी गाड़ी ले ली है यार, किया इसको बकरा बनाया। पर यार यहाँ तो जाम लग गया, सबसे पहले जाम क्लियर कराते हैं। अभी इसकी लैम्बोर्गिनी हमारी हो चुकी है, बहुत मुश्किल से यार जाम क्लियर करवा के अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं हम एंड हम चलते हैं अपने शोरूम। सामने से वो बंदा अपने घर पे ले जा रहा है वो गाड़ी जो हमने बाइक के एक्सचेंज में लाए थे जिसका बोनट भी टूटा था। यार ऐसे ही अगर 4-5 डेली अगर हमें कस्टमर मिल गए ना बोंदू, तो हम तो यार एक ही दिन में अंबानी अडानी को फेल करने वाले हैं। वेल गाइस ये गाड़ी काफी ज्यादा ऑसम है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे एंड इसके थोड़े टायर वायर ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद जो ये गाड़ी बिकेगी ना करोड़ों में बेचेंगे इसको करोड़ों में। ओके ऑलराइट गाइस अभी हमने अपनी गाड़ी का कलर डिसाइड कर लिया है, हमने 2-3 कलर लगा के देखे पर ये पर्पल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, ओहो भाई साहब गजब। इसे अगर कोई दूर से देखेगा ना कोई मतलब पैसे वाला बंदा तो वो भाई साहब देखते ही खरीद लेगा, इतनी ऑसम लग रही है गाड़ी। अभी दूर से देखने में हमारा शोरूम थोड़ा खाली खाली लग रहा है क्योंकि यार एक सिंगल गाड़ी खड़ी है, इसलिए मैं 1-2 गाड़ी की और व्यवस्था करता हूँ जिसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, फ्रॉड वाला आइडिया। हम एक फ्रॉड करेंगे भाई, छोटा सा फ्रॉड करना पड़ेगा क्योंकि ये गेम है यार। तो भाई हमें करना ये होगा, हम किसी बंदे की थोड़े सा टच मार देंगे गाड़ी का एंड उससे पैसे मांगेंगे। अबे यार ये तो ज्यादा तेजी टच कर दिया, रुको रुको अब मैं एक्टिंग स्टार्ट करता हूँ। अबे साले तूने यार मेरी गाड़ी ठोक दी, 6 करोड़ की गाड़ी है साले, मेरी 6 करोड़ की गाड़ी ठोक दी, भाग निकल तेरी पैन दी, भाग निकल साले तेरी अंदर बैठा। अरे मैं क्यों गाड़ी में बैठ गया यार, मैं उतर के इसके समझाता हूँ। साले अब लेटा है जमीन पर, बात कर मुझसे, पैसे दे मुझको इसके। 1 minute later भाई वो बंदा तो डर के भाग गया पर उसकी यार ये जायद सेटिंग आई है एंड इसको हमने एक घंटा मारा, ये भी गिर गई। अभी यार मैं उसकी गाड़ी लेने वाला हूँ क्योंकि यार यार कोई तो उसकी गाड़ी की सुरक्षा करेगा ना। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, अब ये गाड़ी हमारी हो चुकी है। बताओ भाई यार वो बंदा अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया, मुझे इतबास की हंसी आ रही है। वेल यार अभी हमारी गाड़ी कोई ना ले जाए लैम्बोर्गिनी, सबसे पहले इसको यहाँ खड़ा करते हैं। नाउ फाइनली हमारे पास हो चुकी है 2-2 गाड़ियाँ, अब आराम से बिकेंगी यार, मैं उसे अच्छे से लगा दूंगा एंड इसका कलर अगर ब्लैक और ग्रीन करें यार तब भी अच्छी लग रही है यार। बस ये बिक जाए कैसे भी करके, अगर ये 2-3 करोड़ में बिक गई तो हम तो आज करोड़पति बनने वाले हैं। और अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो यार चाचा को सब्सक्राइब करो मेरे भतीजो एंड एक लाइक तो कर ही दिया होगा ना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए।